most welcome to our channel, RS Public School, Balachar, Kajipur. I'm going to teach you about science, and our topic is method of separation. Separation करने के method. इस chapter में हम आपको जो है कि बहुत काफी कुछ बतला चुके हैं. अभी और कुछ method बाकी हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है. So let us start. Now, the method filtration के बारे में हम लोग आज जानेंगे. In this process, किस प्रोसेस में? तो फिल्ट्रेशन में द इंप्यूरिटीज विच इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज इनसॉल्युबल. Such types of impurities which are insoluble are retained or filtered by this process. इस प्रोसेस के जरिए वैसी अशुद्धियां impurities जो बच्चों अघुलनशील हो यानी कि पानी में घुली नहीं हो हम उनको क्या करते हैं? फिल्टर. क्लियर है? देखिए कैसे. ये सपोज दैट दिस इज स्टेंट और इसी स्टेंट से जो है हमने एक की को जो है पूरी तरह से इस पे जो फिट कर दिया. क्लियर? ये कीप है हमारा ये और यहां पर जो है कि हम एक फिल्टर लगा देते हैं और ये जो है कि हम ग्लास से जो है एक ग्लास से या कंटेनर में जो भी है इसमें वी हैव सो मेनी डिजॉल्व नॉट डिजॉल्व वी हैव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज इन दिस लिक्विड वी पॉर हम लोग इसे इसमें ढालते हैं एंड देयर आर ए फिल्टर. ये फिल्टर जो है क्या करता है? ये फिल्टर का जो है कि ये इस प्रकार से होता है. ए फिल्टर हैज वेरी टीनी फाइन पोर्स इन दिस फिल्टर. बहुत फाइन छिद्र होते हैं, महीन महीन छिद्र होते हैं जिससे लिक्विड तो पास कर जाएगा बच्चों. इससे लिक्विड जो है वो आराम से पास कर जाएगा. दिस फिल्टर अलाउड टू पास लिक्विड बट दोस टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर रिटेन्ड बाय दिस रिटेनर और फिल्टर. यानी कि ये इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें बहुत महीन छिद्र होते हैं और इस महीन छिद्र में जो है कि यहाँ जो फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर जो है कि ये जो है कि इम्प्योरिटी जो है कि यहाँ पर आकर के क्या हो जाती है? सब जमा हो जाती है और इसके थ्रू जो है ये वाटर जो लिक्विड जिसे हम फिल्टर कर रहे हैं बच्चों ये क्या होता है कि यहाँ पर आकर के सब जमा हो जाती है. तो इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट और इसको कहते हैं फिल्टर. इसको कहते हैं फिल्टर. क्या आप अपने घरों में चाय बनता है तो चाय में बहुत काफी जो है इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है एंड ऑल द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आर रिटेन्ड बाय अ रिटेनर. यानी रिटेनर चाय छानने वाले चीज को बोलते हैं जिससे हम लोग चाय को छानते हैं. ठीक है? यानी कि एक तरीके से वो फिल्टर हो जाता है तमाम चाय पत्ती या और भी अदरक वगैरह चीजें जो होती हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं. ये क्या होती है कि चाय छानने वाले रिटेनर के ऊपर जो है कि ये रुक जाते हैं और जो चाय होती है वो उस फाइन पोर से महीन छिद्रों से ये पार हो जाती है. क्लियर है ना? तो ये रहा बच्चों आपका फिल्ट्रेशन मेथड. क्लियर है? फिल्ट्रेशन इज ए मेथड इन विच वी रिटेंड
soluble impurities which are present in solution. जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है तो उन इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज को ही आप जो है कि इस मेथड के जरिए फिल्ट्रेशन मेथड के जरिए फिल्टर कर सकते हो और हम जो है प्योर फिल्ट्रेट चीजें जो है कि प्राप्त कर लेते हैं. कंफर्म. अब एक दूसरे प्रकार का जो है कि मेथड को देख लेते हैं और ये दूसरे प्रकार का मेथड हमारा है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण. इन दिस प्रोसेस वी सेपरेट दोज टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर. हम इस प्रकार से जो है जो पानी में घुली हुई अशुद्धियां होती हैं हम जो है उसे जो है कि अलग कर लेते हैं. सपोज दैट कि पानी में जो है कि नमक घुल गया है डिजॉल्व हो गया है. अब हम इसे कैसे जो है कि अलग करेंगे. नमक को पानी से हमें अलग करना है बच्चों तो हम कैसे अलग करेंगे. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग इस वाटर को जो है इस यूटेंसिल में हम इंटर्ड कर लेते हैं क्योंकि इस वाटर में जो है कि ये सॉल्ट जो है डिजॉल्व है और हमें जो है कि सॉल्ट को आउट करना है निकालना है. तब क्या करेंगे कि इस यूटेंसिल को हम क्या करेंगे हीट करेंगे. इस यूटेंसिल को हम क्या करते हैं हीट करते हैं और हीट के जरिए जो है यानी कि ये फायर है और जैसे ही ये हीट लगेगी हीट के कांटेक्ट में ये यूटेंसिल आएगा तो इसमें से ये वेपर निकलना चालू हो जाते हैं. क्लियर. ये वेपर निकलना चालू हो जाते हैं वेपर बनना चालू हो जाते हैं धीरे धीरे करके जो है कि जितना भी इसमें का ऑल जो भी वाटर जो है सब के सब वाटर जो है क्या हो जाएंगे वेपर बन करके निकल जाएंगे और फिर बचेगा क्या यहां पर हमारा फाइनली वी गेट सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. ये जो है कि हम इसमें सॉल्ट हमें फाइनली लास्ट में हमें मिल जाता है. तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस विच सेपरेट सोल्यूबल इंप्योरिटीज फ्रॉम सॉल्यूशन नोन एज इवेपोरेशन. इस प्रकार के मेथड को जो है जो पानी में घुलनशील अशुद्धियां होती हैं हम उन्हें सेपरेट करने के लिए जो है ये तरीका अपनाते हैं और इस तरीका को इस प्रोसेस को इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं. कंफर्म. सो माय डियर लवली स्टूडेंट वी विल मीट अगेन in my next video. Till then, thank you and have a nice day.